और दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव की नॉमिनेशन पूरी होने के बाद अब कैंडिडेट प्रचार करने में जुट गए हैं। पूर्वी दिल्ली में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी है। दो सीटों पर टोटल कैंडिडेट की संख्या देखी जाए तो 12 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी समेत 4 निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं। कोरोना काल में चुनाव के मद्देनजर इस बार एक पोलिंग बूथ में 1000 वोटर से ज्यादा संख्या नहीं रखी गई है। इसके चलते पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई गई है और इस चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर वोटिंग टाइमिंग 1 घंटा ज्यादा रखा गया है। इसमें जो दो है ना, 2E वार्ड और 8E वार्ड, दोनों में 6-6 कैंडिडेट है और 3 नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है, 1 स्टेट पार्टी का कैंडिडेट है और 2-2 निर्दलीय दोनों में है। सर, क्या इनकी गाइडलाइंस दी गई हैं कैंडिडेट की या किसी ने विड्रॉल भी कराया है क्या कुछ? नहीं, अभी तक तो विड्रॉल नहीं है, कल स्क्रूटनी हो चुका है तो उसमें जो भी उनको रिजेक्ट करना था ये वो कर दिया था। अभी विड्रॉल का टाइम है 13 तक, 13 के अंदर कोई विड्रॉल हुआ तो फिर वो लास्ट में फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें पता चलेगा। अभी तक विड्रॉल कोई नहीं। काफ़ी बदलाव किए गए हैं कोरोना को देखते हुए, क्योंकि जो मेन एम है कि है कि इससे जो डिसीज है, जो इसका इन्फेक्शन हो फैले ना, तो वो भी देखना है कि वो फैले ना। जो लोग डिप्लॉय हो रखे हैं, चाहे वो इलेक्शनरी मशीनरी में ऑफिसर्स हों या इलेक्टर्स हों, उनका भी ध्यान रखा गया है। तो चीज़ें बदली गई हैं, जैसे कि पहले ये था एक बूथ पर 1500 लोग वोटर्स को अलाउड, इलेक्टर्स को अलाउड था वोट डालने के लिए, बट इस बार क्योंकि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सिर्फ 1000 लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एक बूथ पर सिर्फ 1000 लोग ही होंगे एक पीएस पोल स्टेशन पर। उसके अलावा पहली बार ये भी हो रहा है कि अगर किसी की राइट वोट वोट हर एक के लिए है, तो जो कोविड पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, क्वारंटाइन है, अगर वो भी चाहता है अपना वोट कास्ट करना तो उसको भी स्पेशल परमिशन मिलेगी कि वो वोट कास्ट कर सकता है एट द लास्ट आवर्स विद ऑल प्रिकॉशन विद द एडवाइज ऑफ द हेल्थ ऑफिसर। जो हेल्थ ऑफिसर होंगे उसके सुपरविजन में वो वोट कास्ट कर सकता है लास्ट आवर्स पर। और साउथ दिल्ली में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक शख्स की हत्या मामले में आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने एक शव को फ्लैट से बरामद किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने दिल्ली में एक शख्स का मर्डर किया और वो भागकर उत्तराखंड में छिप गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया। तो वहीं आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया है कि हत्या का मकसद आरोपी और मृतक की पूर्व पत्नी पर की गई टिप्पणियों को लेकर झगड़ा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि तीनों आरोपियों ने एक महिला से एटीएम कार्ड बदलकर उसके अकाउंट से करीब 50,000 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूछताछ के दौरान इनके पास से पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और दिल्ली के नजफगढ़ थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक झपट्टामार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि नजफगढ़ में देर शाम एक झपट्टामार ने राह चलते राहगीर से मोबाइल छीना और कार में बैठकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम हरीश है, जो कि नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है। पुलिस स्टेशन नजफगढ़ की टीम ने एक और जो है स्नैचर को अरेस्ट किया है। हरीश सन ऑफ हरन है और विद इन 12 आवर्स ऑफ द केस जो स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ था उसमें इसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो स्नैच प्रॉपर्टी थी उसको इसे बरामद कर लिया गया है और एक व्हीकल है मारुति जैन, वो भी बरामद हुई है इसमें और गोला डेरी इलाके का रहने वाला है। और छावला थाने की पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। इलाके में दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर ये फरार हो जाते थे। पुलिस भी परेशान थी, क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं पर छिप जाते थे, मगर पुलिस ने हार नहीं मानी और जिन पर पहले से ही केस दर्ज है उन पर नजर टिकाई तो पता चला कि रंगे हाथ धर दबोच ली गए। इनके पास से एक ही दिन में झपटे गए 4 मोबाइल फोन बरामद भी किए हैं। साथ ही अक्षय और परवीन, जो कि कई मामलों में पहले भी बताया जा रहा है कि जेल जा चुके हैं।
दिल्ली स्पेशल में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।